तो वेलकम है गाइस एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में जो एसटीए के प्लान में चेंज हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे, और कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसके बारे में भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, और कुछ और चीजें भी हैं जिसके बारे में अभी हम छोटा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले हम देख लेते हैं अभी का जो प्राइस है, अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, और ये जो प्राइस है ये है 176 रुपए। कल ये जो इसका प्राइस ये चला गया था 104 रुपए के आसपास। तो लास्ट 24 घंटे में यहाँ पे 60% में जो प्राइस है यहाँ पे चेंज देखने को मिल गया है। जिन लोगों ने कल यहाँ पे बाय किया था उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उनका जो अमाउंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अच्छी खासी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी यहाँ पे देखने को मिली है। अब नजर मारते हैं इसका जो आने वाला रेजिस्टेंस जोन होगा वो कौन सा हो सकता है। तो इसका जो नया रेजिस्टेंस जोन है वो मुझे ये दिख रहा है कि $2.8 से लेके $3 तक ये यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा सकता है। और उसके बाद अगर सपोर्ट जोन का बात करें तो इसका जो नया सपोर्ट जोन हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है, जो 1.8 से लेके 2.10 के आसपास ये इसका जो सपोर्ट जोन है वो है। अभी अपने सपोर्ट जोन के ऊपर है तो अभी एक तरीके से पॉजिटिव न्यूज है ये देखा जाए तो। अगर यहाँ से जो प्राइस नीचे गिरता है तो ये इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा वो होगा $1.2 के आसपास। और कल हमने जैसे ये बात किया था कि ऐसा जो कैंडल अगर हमें दिखेगा तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो वही सेम चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर हम कुकॉइन पे 4 घंटे का ये कैंडल देखते हैं तो यहाँ पे आप देखो तो वही सेम कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, और इसी तरह से एक कैंडल हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। तो ये दोनों जो इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिली इससे यही देखने को मिल रहा है कि जो इसका प्राइस है ये काफी अच्छा यहाँ पे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी लिक्विडिटी के बारे में वो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखो तो इसकी जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे $32,76,460 की दिखा रहा है, और जो मैंने कल लिक्विडिटी दिखाई थी यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी में यहाँ पे बदलाव आ चुका है। कल ये मेरे हिसाब से $50,000 के आसपास था और ये यहाँ पे ये बढ़ के अभी $75,000 के आसपास हो गया है। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये वो ये है कि यहाँ पे ये $75,000 दिखा रहा है, और अगर यहाँ पे हम जाएं तो यहाँ पे $32,00,000 यहाँ पे हमें दिखा रहा है। तो इन दोनों में से सही कौन सा है, इसको चेक करने के लिए मैंने इसे अलग अलग वेबसाइट पे जाके चेक किया और इसकी जो लिक्विडिटी है वो करेक्ट लिक्विडिटी पता करने की कोशिश की, लेकिन सही रिजल्ट कहीं से निकल के नहीं आया, बिकॉज सबका जो कैलकुलेशन का तरीका है वो अलग अलग है। अगर हम यहाँ पे गीको टर्मिनल की बात करें तो ये कॉइन गीको का ही एक पार्ट है। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 65 लाख की लिक्विडिटी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो इन सब में से सही कौन सा है ये थोड़ा सोचने वाली बात है। कल जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी में ये चेक नहीं किया था कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। कुछ व्यूअर्स ने नीचे कमेंट किया तो तब मैंने इसे थोड़ा चेक किया। तो यहाँ पे जो चीजें हैं मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और 24 घंटे में आप देखो तो 7 मिलियन की यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखा रहा है, तो 7.1 मिलियन का वॉल्यूम तो यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वॉल्यूम तो दोनों जगह पे सही दिखा रहा है, लेकिन लिक्विडिटी का इश्यू हो रहा है क्योंकि कॉइन मार्केट कैप पे लिक्विडिटी नहीं दिखा रहा है। इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करने पे मुझे एक चीज देखने को मिली। तो लिक्विडिटी को चेक करने के लिए मैंने इसकी जो पैनकेक वाली लिक्विडिटी है, तो ये जो लिक्विडिटी पूल का कॉन्ट्रैक्ट था इसको मैंने जब बाइनांस के ये जो बीएसडीटी का मेन सप्लाई है यहाँ पे मैंने इसे चेक किया, इनका जो यहाँ पे बैलेंस निकल के आता है तो ये निकल के आता है, और इसी को जो पू कॉइन है वो अपनी वेबसाइट पे शो कर रहा होता है। और यही जो लिक्विडिटी है इसको अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें, ये जो यहाँ पे टोकन है यहाँ पे 32 लाख के टोकन यहाँ पे पड़े हैं और 32 लाख की यहाँ पे यूएसडीटी यहाँ पे पड़ी है। तो अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ देते तो ये दोनों करीबन 65 लाख के आसपास हो जाता है, यानी कि 6.5 मिलियन। तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हम ये जो कॉइन गीको वाला है इसका अगर हाफ कर दें तो वही सेम जो पू कॉइन दिखा रहा है वही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इनकी जो ये लिक्विडिटी है हम इसको करेक्ट मान सकते हैं, पर मैं भी इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। मैं इसके बारे में थोड़ा और स्टडी करूंगा और फिर आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए हम इसको करेक्ट मानते हैं और ये जो है इसको हम अभी के लिए रिजेक्ट कर देंगे। तो इसके अलावा एक और वेबसाइट है, यहाँ पे भी मैंने इसे चेक करने की कोशिश की, तो यहाँ पे भी जो लिक्विडिटी का एड्रेस है ये वाला है, और यहाँ पे अगर हम लिक्विडिटी देखें तो 32 लाख के आसपास की हम यहाँ पे लिक्विडिटी दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो 32 लाख की लिक्विडिटी है इसे हम करेक्ट मान सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे एसटीए के बारे में और जो दूसरे टोकन है उसके बारे में लाइव अपडेट देता रहता हूँ। कुछ अच्छा होगा तो आपके साथ मैं सब शेयर करता रहूंगा। बाकी यहाँ पे एसटीए पे मैंने काफी सारे वीडियोस बना रखी हैं, आप वो चेक कर सकते हो। तो कुछ लोग यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि आप सर पेड वीडियोस बना रहे हो, तो मैं यहाँ पे पेड वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। अगर मैं पेड वीडियोस बनाता तो मैं पॉजिटिव पॉजिटिव बोलता उस कॉइन के बारे में जो मुझे पैसे देता, और मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो अनबायस होके बिना किसी प्रेशर में
मैं ये बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे जो चीज़ फैक्ट लगती है मैं वो चीज़ शेयर करता हूँ, क्योंकि इसी की वजह से अगर आप देखो तो SJ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपडेट हुई हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैंने स्टार्टिंग में जब वीडियो बनाया था उस टाइम पे मैंने कहा था कि ये जो है कॉइन मार्केट कैप पे नहीं है, तो ये कॉइन मार्केट कैप पे आया। और मुझे गलत साबित करने के लिए ये जो SJ के डेवलपर्स हैं या बोलो SJ के जो लीडर्स हैं ये लोग पूरा जोर लगाते हैं। तो मैंने जो जो प्रॉब्लम्स ढूंढ के निकाली कॉइन के साथ में, इन लोगों ने उन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। जैसे देखा जाए फॉर एग्जांपल के तौर पे जब मैंने आज से साल भर पहले वीडियो बनाया था तो उस टाइम पे कॉइन मार्केट कैप पे नहीं था, ना ही कॉइन गेको पे था। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो बनाया उसके कुछ टाइम के बाद, मतलब महीने भर के बाद, ये कॉइन गेको पे आ गया और उसके बाद ये कॉइन मार्केट कैप पे भी आ गया। और कुछ दिनों पहले यानी कि ये फरवरी में इन लोगों ने सेट्रिक के ऊपर भी अपना जो कॉइन वेरिफिकेशन के लिए डाला था, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेट्रिक पे भी अभी अवेलेबल है। और मैंने इनके जो एक्सचेंज के बारे में बोला था तो एक्सचेंज भी आप देख लो, इन्होंने लॉन्च किया था, वो बात अलग है, ये अभी यहाँ से डिसअपियर हो चुका है। अब SJ के लीडर्स कहेंगे कि वेबसाइट पे काम हो रहा है इसलिए यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा, जब वेबसाइट अपडेट हो जाएगी तो यहाँ पे शो होने लगेगी। और कुछ दिनों पहले जो SJ का मार्केट गिर रहा था, इसकी जो प्रॉब्लम मैंने ढूंढ के निकाली कि ये जो टॉप के सेलर्स हैं यहाँ पे अपना यहाँ पे डेली बेसिस पे सेल कर रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है, इस चीज़ का सोल्यूशन करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि इनका जो नया वाला प्लान देखोगे तो यहाँ पे आप देखो तो $500 जो पर डे इनकम यहाँ पे मैक्सिमम इन्होंने रखा हुआ था इसको घटा के इन्होंने $300 पे कर दिया। इसके अलावा आप इनका ये जो रॉयल्टी इनकम वाला प्लान है अगर आप देखो तो 15 मई से पहले यहाँ पे सबकी इनकम जो थी $5,000 $2,500 इतनी ज्यादा होती थी, और अभी जो अगर नया आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कम करके कितना कम कर दिया गया है। यहाँ पे जो 5,000 था वो यहाँ पे 2,000 ही रह गया, जो $2,500 था यहाँ पे सिर्फ $1,000 रह गया, जिससे क्या होगा कि ये जो लोग टॉप के सबसे ज्यादा इनकम कमा रहे हैं और इनसे मार्केट डंप होने का जो खतरा है वो बढ़ रहा है, उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे SJ की टीम है यहाँ पे स्टेप्स उठा रही है। और ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं इसके ऊपर प्रॉपर जो इनकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखा जाए इन लोगों को मुझे पैसा देना चाहिए बट मुझे इसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, मैं एक तरह से यहाँ पे आप लोगों की फ्री में ही हेल्प कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं गलत हूँ तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वजह से आप लोगों का बहुत फायदा हुआ है। अगर मैं ऐसी वीडियोज नहीं बनाता तो हो सकता है कि अब तक भाग चुकी होती, क्योंकि ऐसा बहुत सारे कॉइन्स के साथ हो चुका है जो इतने टाइम तक नहीं टिकी है। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे मैंने वीडियोज ऑलरेडी बना रखे हैं दूसरे कॉइन्स पे, वो आप चेक कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे जो डेटा होता है वो यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है, जो फैक्ट होता है वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि नेगेटिव है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस देखने का नजरिया है। मैं इसे पॉजिटिव नजरिए से देखता हूँ, आप नेगेटिव नजरिए से देखते हो। जब तक आप किसी चीज में कमियां नहीं निकालोगे वो चीज बेहतर नहीं हो सकती है, मेरा तो यही मानना है। और यहाँ पे आप देखो तो इनके जो बोनस है इन पे लिमिट भी लगा दी गई है और इससे आपका फायदा ही है। तो इनसे जो छोटे इन्वेस्टर है जो थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के इसमें पैसा कमाना चाह रहे हैं तो उनको फायदा होगा, जो बड़े लोग हैं यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारा इनकम कमा रहे हैं। तो आप भी अगर अपना नजरिया बदल के देखेंगे तो आपको भी चीजें साफ नजर आने लगेंगी। और अभी के लिए इतना ही, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट कीजिए, कहीं अगर मैं गलत होता हूँ तो नीचे आप कॉमेंट करके बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं और अपडेट्स आपके लिए लाऊंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।